वो रैली करने की जरूरत क्या थी? नारा लगाने लेकिन कर दी। पांच चार लोग इकट्ठे हो गए, मजाक निकाल दी, सारे समाज की हवा निकाल दी। शर्म नहीं आती उन लोगों को? मेरे पास मैं इस बात पर बोलना ठीक नहीं समझता, लेकिन मैं महासभा से पूछना चाहता हूं, आपने नोटा दिया था? नोटा देने गए थे ना? नमोनारायण मीणा का नोटा दिया था? क्या कहा नमोनारायण मीणा ने? क्योंकि चार दिन बाद आऊंगा तो हम बेवकूफ जो आज यहां पर आ गए, और बीजेपी को गाली दूंगा। कबाड़ा कांग्रेस ने किया, अशोक गहलोत ने किया कबाड़ा, शुरुआत कबाड़े के अशोक गहलोत ने की, और हम बीजेपी को भी नहीं बकसना चाहते। हमने तो कह दिया वसुंधरा भी बराबर रूप से जिम्मेदार है, इसलिए इसका जवाब वसुंधरा दे। हम वसुंधरा से जवाब लेना चाहते हैं, हमारी तीनों मांगों की पूर्ति महर की महारानी से वसुंधरा से लेना चाहते हैं, वरना हम चैन से सोने वाले नहीं है। इस बात की घोषणा में सभी भाई कुल्डी में गुड़ फोड़ने से काम नहीं चलेगा। आप गए ना रमेश मीणा के पास? रमेश मीणा तो सपोटा में लोगों को रोक रहा है, करौली लाल उसका, और वह गंगापुर में राम केस में रोक रहा है, करौली लाल उसका। डॉक्टर किरण लाल नहीं आता तो हजार गाड़ी डॉक्टर किरण लाल को पड़े। मैं इसलिए सभा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो कोई बोले या मंच पे बिल्कुल बोलेंगे, जो नहीं आएगा समाज का धोखा देगा उसको गाली देंगे, समाज से बाहर करेंगे, वो समाज के नहीं है। कह रहे थे वो कैलाश जब बोल रहा था किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो नमोनारायण का अगरबत्ती लगाएंगे, राम कैसे लगे, रमेश भी आगे लगा अगरबत्ती। अरे हम बर्बाद हो, हम हमारी 40 साल की राजनीति हम गड्ढे में डाल दे समाज के लिए, और वो अभी डरपे में, तो अभी अभी आप डरते हैं, क्यों नहीं आए यहाँ पर? कौन उनके कपड़े फाड़ाते? हम तो उनको पूछते, माला पहनाते, और समाज को बांटने का काम ले रखा है तो नेताओं ने ले रखा है, और मेरा कहीं भी समाज बांटने का काम आपको कहीं भी मिल जाए, एक आना भी मिल जाए, तो जो दंड समाज देगा उस दंड को भुगतने के लिए तैयार हूं। ये पूरे समाज की सभा के बीच कांग्रेस करण बीजेपी करण कर दिया, कांग्रेस इकट्ठे हो गए, मुट्ठी भर 4000 चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कांग्रेस करण कर दिया, बीजेपी करण कर दिया, वसुंधरा तो यही चाहती थी बटे, लेकिन भला हो मीणा समाज हो, अगर मैं तुम्हारे मेरे शरीर की चमड़ी उधेड़ कर भी तुमको जूते पहनाऊं तो भी तुम्हारा कर्जा नहीं उतर सकता। जिस ढंग से 2 अक्टूबर की रैली को आपने सफल किया, उसका परिणाम यह हुआ कि वसुंधरा नरेंद्र मोदी तक को झुकना पड़ा और तुम्हारी मांग माननी पड़ी। जब तक सूरज चांद रहेगा, इसलिए मैं समाज के भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर किरणलाल गलती करता है तो उसके मुंह पे कहो, मीठी चुपड़ी बात मत करो। अगर कोई नमोनारायण गलती करता है तो उसके मुंह पे कहो, कोई राम केस करता है तो उसके ऊपर कहो, मेरे से कहते हैं हरा दिया। अरे मैंने मेरी पार्टी बनाई थी, मैं मेरा पार्टी का प्रचार करूंगा, तुमको जिंदगी भर जिताता रहूंगा, और जब मौका पड़े जब भग जाए। जब आरक्षण का मामला पड़ा था तो रमेश भागा, रामकेश भागा, मुरारी भागा, सुरेश भागा, सब भागे। मैं तो मेरे आंखों से देखा भगते हुए, अब तो यहां सामने ही कहूंगा क्या दिक्कत है। मैंने कहा तुम इस्तीफा लिख दो, अब इनकी तो बसपा की पार्टी थी, क्यों नहीं लिखा इस्तीफा? नहीं लिखा, लेकिन भाग गए, और उस अथर झूठ में अकेले डॉक्टर किरणलाल को छोड़ गए, 33 में से अकेले अंत में इस्तीफा दिया आपके मान और सम्मान को बचाने के लिए, और मैं अकेला आज चौराहे पे घूम रहा हूं। पर भला हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो का त्यों है, आपका जब तक आशीर्वाद है तब तक मेरा कोई बाल बाका नहीं पड़ता। मैं कुछ ज्यादा बोल गया, मेरे को किसी के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेरे को अधिकार नहीं है मैं नमोनारायण के खिलाफ बोलने में, ना किसी और नारायण के खिलाफ बोलने में, लेकिन मेरा दिल का दर्द इसलिए बोल रहा है, आज तो कोई बीजेपी कांग्रेस का
यहाँ पर झंडा नहीं था। आज तो एक तरफ मीर भगवान है, एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर है, यहाँ पर आने में भी क्या दिक्कत थी? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और जहाँ आपको एक नेता मिले, चार दिन बाद आऊंगा और फिर ऐसा करना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूंगा, तब तुम मना कर देना नहीं, फिर मैं ऐसा करूंगा तुमको लिखित में दूंगा, तब तुम मेरी बात मान लेना। नाटक करते हो राजनीति में, लड़ना तो चलो आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ ना सारे नेता, मैं बैठा हूँ पढ़ाओ की जरूरत क्या है, सारे नेता यहाँ पर आ जाओ, लड़ाई लड़नी तो मैं चलता हूँ आगे आगे, गोली चलेगी तो मैं खाऊंगा, और दिल्ली बॉम्बे टैंक को आज ही जाकर रोकेंगे, वहां पढ़ाओ की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि लाठी पड़ गई गोली पड़ गई तो कह देंगे डॉक्टर चोरला ने मरवा दिया। जब जयपुर जा रहे थे तो क्या बहका रहे थे, अरे लाठी पड़वाएगा, अरे गोली चलवा देगा, अरे मरवा देगा। इसलिए मैं अकेला करूंगा तो मेरे को गाली पड़ेगी, तुमको बहकाएंगे, तुमको डराएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, लाठी को लेकर कहना चाहता हूँ, अभी प्रस्ताव सारे नेताओं को यही पर बुलाओ, सारे नेताओं को यही पर बुलाओ, और बड़ा बात की बात है, पहले ट्रैक को जाम करेंगे, और सुन लो कलेक्टर, ये जो भी वसुंधरा का नुमाइंदा यहाँ पर खड़ा, सुन लो, हम इतने आराम से बात को सहन करने वाले नहीं है, जितनी सहन करनी थी अब बहुत कर ली। अब आप बता दो, मीणा टांग खिंचाई करते हैं, कोई मीणा नेता टांग खिंचाई करता है तो वो उसको माना जाएगा जो इस मंच पे नहीं आएगा। आप तो ये फैसला कर दो, डगोरिया जी खड़ा होकर एक एक को बुलाओ, रमेश को क्या दिक्कत है सपोर्टर के आने पर, ये ना सपोर्टर इतनी सी दूर है, और रामकेश को क्या दिक्कत है इतनी ही दूर, बुलाओ सबको, बुलाओ और सबको लेकर मैं चलूंगा, एक भी दाएं बाएं नहीं हो सकता, सबको लेकर मैं ले जाकर पटरी पे बैठूंगा, बुलाओ उनको। ये नहीं चल सकता कि सारा नुकसान डॉक्टर जोरलाल बहन करे, आराम की नेतागिरी हम करें, टिकट मिल जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, जिंदगी भर आईपीएस रहे।